falling in love for the first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't let me down. It's gotta be all. It's gotta be all or nothing. लगेगा हाँ हम सच में प्रेम मंदिर आए हुए हैं। इतना खूबसूरत जगह है, इतना मतलब खूबसूरत जगह है, और क्या बताएं, मतलब देखने के लिए इतना भीड़ उमड़ पड़ा है कि हम क्या ही बताएं। मतलब कुछ दिखा कुछ नहीं दिखा, कुछ रिकॉर्ड हुआ कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, और इतना लॉन्ग वीडियो है आज मेरा सिर्फ प्रेम मंदिर का है। एक एक दृश्य को हम कवर करने का कोशिश किए हैं, और टोटल जितना भीड़ भड़ाका वगैरह है जो हम लोग गए हुए थे सारे चीज़ देख सकते हैं। हम पगली मगली के तरफ पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर, और हम तो यूं ही देखने में हैं। व्यू तो बाद में लेंगे, पहले देख के मन भर लो। क्या होता है ये सब जाने का नसीब नहीं होता है, मनुष्य तरसता है ये सब जगह जाने के लिए। काश मैं भी वहाँ चल जाती एक बार, ये मन में हमेशा खदेड़ता है। तो बात वही है कि मन हमेशा बुलाता है कि चलो हम प्रेम मंदिर का दर्शन कर ले, बट जा नहीं पाते हैं। तो हम गए हैं नसीब से, किसी कारणवश कुछ भी बोल ले गए हैं तो दर्शन तो करेंगे ही, तो पहले दर्शन ही कर लेते हैं, पहले पूरी तरह से देख लेते हैं। और पता है यहाँ ही हम लोग मतलब देखते ही रह गए। यहाँ का जो व्यू था ना सच में देखने का लायक था, एकदम गजब। और फिर आगे जाइएगा तो आगे और अच्छा अच्छा चीज़ मिलेगा। हम लोग यहाँ 4 बजे 4:30 बजते पहुँच चुके थे। इसके बाद फिर यहाँ से हम लोग रात को 8:30 बज चुका था ना, फिर भी निकलने का मन नहीं कर रहा था, इतना सुकून भरा जगह था यहाँ। मतलब लग रहा था हाँ कोई ऐसा जगह तो अभी हम लोग आए हुए हैं, इस तरह से महसूस हो रहा था सच में। मतलब क्या ही बताएं, इसका कोई वर्ड नहीं है, कोई शब्द नहीं है बताने के लिए, इतना खूबसूरती भरा हुआ है। इससे पहले क्या हुआ ना, हम लोग जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज सवेरे हम लोग मतलब मथुरा गए हुए थे, वहाँ दर्शन वगैरह किए। मथुरा में दर्शन करते करते हम लोग का 12 बज चुका था, एक ही जगह कवर कर पाए थे। इसके बाद हम लोग का कहीं दर्शन नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग एक जगह जाने के लिए सोचे, वो वहाँ पे सोचे हम लोग अभी चल जाते हैं, भीड़ भड़ाका कम होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। जहाँ पे
बालाजी का दर्शन करने का हम लोग सोच रहे थे। बालाजी में क्या हुआ ना, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और कपाट बंद कर दिया गया था, जिस वजह से दर्शन नहीं हुआ। कपाट का मतलब होता है दरवाज़ा, मतलब कुछ और नहीं होता है, मतलब दरवाज़ा ही होता है। तो दरवाज़ा बंद कर दिया गया था और क्या ही बोले जाने के बाद। तो हम लोग सोचे इतना देर अभी क्या खड़ा, इतना गर्मी में क्या रहेंगे, थोड़ा सा हम लोग रेस्ट कर लेते हैं। और आसपास ना मतलब रूम वगैरह उपलब्ध रहता है, जैसे आप 2-3 घंटे के लिए लीजिएगा, एसी नॉन एसी जैसे भी लेते हैं, मतलब सभी जगह मिल जाता है। तो हम जैसे कि हम नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताए थे कि हम लोग के साथ मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी भी है, उसको रेस्ट करने का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग का तो चल जाता है, बट उनके लिए ज़रूरत हो जाता था लेटना काफ़ी। हम लोग सुबह से आज चल ही रहे थे तो उसको रेस्ट कराना ज़रूरी था। गाड़ी में उतना जगह था नहीं कि उसको हम लोग लेट के मतलब कवर करवाए। अब आज का जो गाड़ी है ना वो थोड़ा सा छोटा था, मतलब कि सीट तो सबके लिए था बट लेटने के लिए उपाय नहीं था। लेकिन अगले दिन का जो गाड़ी होगा ना वो था बड़ा साइज का, हम लोग गाड़ी लिए थे और उसमें मतलब सारी व्यवस्था था, लेट के भी जा सकते थे और उसमें हम लोग लेट के भी मतलब ट्रैवल किए। तो उसमें नहीं समझ में आया, हम नहीं मतलब जिसके लिए ज़रूरत है उसके लिए बोल रहे हैं। तो ये वाला गाड़ी थोड़ा छोटा था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, मतलब बैठे बैठे एक जगह। मेरा कहने का मतलब है एक सीट जैसे नॉर्मल आदमी बैठता है वही सीट था, एक जो बड़ा सा गाड़ी होता है ना जिसमें लेटने का भी होता है वो कल का गाड़ी में होगा, आज का गाड़ी में नहीं होगा। आज का दिक्कत देख के हम लोग कल बड़ा गाड़ी किए। ऐसे तो हम लोग के लिए ठीक ही, हम लोग बैठे बैठे भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरी मतलब देवरानी है ना उसको प्रॉब्लम हो रहा था, उसको लेटने का ज़रूरत था। तो खैर कोई नहीं, तो अभी हम लोग प्रेम मंदिर में हैं। तो अभी वो लोग अभी तक रूम नहीं छोड़े हैं, आप लोग देख सकते होंगे वीडियो में वो लोग नहीं हैं, क्योंकि उनको थोड़ा ज़्यादा रेस्ट का ज़रूरत था। और हम लोग क्या किए ना, वहाँ से निकल के बालाजी मंदिर चल गए। पहले मथुरा से जाने के बाद बालाजी मंदिर गए। बालाजी मंदिर में जाने के बाद आपका क्या प्रोसेस होता है कि भीड़ कम था, लेकिन हम लोग सोचे कि अभी तो खुलेगा नहीं, 12:30 बजते बजते हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद हम लोग खाना ही खा लिए हम लोग डायरेक्ट। और वहाँ से फिर आए और बोले चलो अब इतना देर क्या ही बैठते हैं, 1-2 घंटा रेस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग आए, रेस्ट किए, मतलब 1-2 घंटा वही जो भी है मतलब रेस्ट किए। और रेस्ट करने के बाद क्या हुआ ना कि फिर हम लोग निकल गए, वो मेरे देवर देवरानी वहीं पे रह गए और हम लोग निकल गए। निकलने के बाद क्या बताएं, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था बालाजी का मंदिर में, मतलब एक भी कपाट खुला हुआ नहीं था। और ना वहाँ पे क्या होता है कि पेमेंट दिया जाता है, जैसे कि 100 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ नहीं 1000 रुपीज़ में 1 व्यक्ति का वो पर्सनल होगा, उसमें भी भीड़ काफ़ी है। तो फिर हम लोग काफ़ी देर रुके, बोले आज दर्शन होगा तो इसी तरह होगा, नहीं होगा तो, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा व्यक्ति थे। और हम लोग व्यक्ति का बात नहीं, हम लोग का यूं ही दर्शन करने का मन था कि सब लाइन से ही जाते, तो हम लोग चाहते तो पैसा देके भी दर्शन कर लेते। अब पता नहीं वो लोग सच में दर्शन कराता ना, हमको तो देख के ही लग रहा था कि पता नहीं फोकट सब है पोपट कर देगा सारा पैसा लेके और चल जाएगा, इसीलिए हम लोग नहीं दिए। तो वहाँ से फिर प्रसाद वगैरह सारा चीज़ ले लिए थे हम लोग। पता है बालाजी, शायद बालाजी हम लोग को बुलाए नहीं थे और कभी बुलाना चाहे होंगे शायद, देखें आप देखिएगा भैया ये भी माला पहने हैं ना, वो बालाजी का मतलब महाराज के लिए लिए थे। बट क्या बना कि गए नहीं तो क्या करेंगे, माला भैया खुद पहने हैं। तो अभी हम लोग आए हैं और देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, मतलब इधर देखिए उधर भी। और प्रेम मंदिर का लीला ही कुछ और है। तो अब तो हम कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि बालाजी के बारे में कुछ बताना था, ये सब हुआ, बालाजी का दर्शन नहीं हुआ, काफ़ी देर तक हम लोग भीड़ भड़ाका का सामना किए। सांस भी फूलने लगा, मतलब 4:30 बजे ना पूरा भीड़ हो जाता है। आप 12 बजे के बाद मास्क ले रह सकते हैं तो रहिए, आपको फिर दर्शन हो जाएगा, लेकिन आप बोलिएगा ना कि 4:30-5 बजे के बाद हम दर्शन करेंगे तो नहीं होगा। हम लोग को वहाँ का लोकल आदमी लोग बोले क्या आप सुबह आज रुक के दर्शन कर सकते हैं, सुबह का टाइम भीड़ कम रहता है या फिर रात को 7-8 बजे भीड़ कम रहता है। अभी क्या है ना कि इधर उधर का सभी जगह का कपाट बंद होता है तो सभी लोग सोचता है कि यहाँ कवर कर ले, इसलिए ज़्यादा भीड़ है। 1 घंटा तो भीड़ रहेगा नॉर्मल, उसके बाद भीड़ खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग के पास समय नहीं था। यदि हम लोग बालाजी के पास रुकते ना तो यहाँ प्रेम मंदिर हम लोग का छूट जाता।
तो इसीलिए हम लोग आ गए थे प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर का नज़ारा देख कर लगा ठीक ही है आ गए तो, और कभी जाएंगे तो ज़रूर जाएंगे बालाजी का दर्शन करने। बालाजी का दर्शन करना एक मेरा इच्छा था हमेशा से, बालाजी बालाजी सुनते आए हैं बट दर्शन कहीं का बालाजी का नहीं किए हैं, तो सोचे थे वृंदावन गए हैं तो बालाजी का दर्शन कर ले। उसके बाद हम लोग का प्रोग्राम हुआ निधिवन जाने का, लेकिन बोले नहीं एक जगह पहले हम लोग जिस तरह बालाजी का स्थिति देखे तो पहले प्रेम मंदिर हम लोग को करना ज़रूरी हो गया था, तो प्रेम मंदिर हम लोग दर्शन किए। इसके बाद फिर कहीं चलेंगे समय मिलेगा, हमको नहीं लगा था प्रेम मंदिर इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा मतलब दूरी पर है, हमको नहीं, हम सही बात बोलते हैं, हमको बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन जाने के बाद जो हम देखे ना, सच में अद्भुत उसको कहा जाता है, अद्भुत नज़ारा प्रेम मंदिर के बारे में। आप लोग भी जाइए, आप लोग भी इस नज़ारे का पूरा तरह से मजा लीजिए, जो भी इंजॉय कीजिए और अपना आँख में बसा लीजिए हमारे राधे कृष्ण को। तो सच में वो रूप जो था ना भीतर का, आप लोग कैमरा में देखिएगा, कैमरा में वहाँ पे कैमरा ले मतलब फ़ोटो खींचना मना था, और इतना ज़्यादा लाइट था ना कि क्या ही बोले, काफ़ी सुंदर था। और जिसने भी ये मंदिर बनाया है ना सच में, उनका दर्शन करके तो और मैं क्या ही बोलूँ, जो भी है सब चीज़ ठीक है और दर्शन हुआ यही काफ़ी है। तो आप लोग वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए, और यदि अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल का वीडियो में, कल का वीडियो देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, कल और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमारे वीडियो में। तो आप लोग इन्जॉय कीजिए, फुल वीडियो वॉचिंग कीजिए, और आप लोग वृंदावन प्रेम मंदिर का दर्शन कीजिए।
time all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't. These doubts like the playing card.